भोपाल में राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओबीसी एससी एसटी के अधिकारों को छीन रही है। उन्होंने आगे कहा कि जो लोग इंसाफ के लिए आवाज उठाते हैं, बीजेपी उनकी आवाज दबाने का काम कर रही है। किस तरह से गुलाम पुनः बना दे, इस देश की बागडोर पूंजीपतियों के हाथ में चली जाए, और इसके खिलाफ जो भी आवाज उठाता है, अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा उसको कुचलने का प्रयास किया जाता है, दबाने का प्रयास किया जाता है, मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया जाता है। और जो हर तरह से नहीं हारता, तो फिर जिस तरह का आदरणीय राहुल गांधी के साथ किया गया है वो करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। राहुल गांधी का गुनाह क्या था? राहुल गांधी सच की बात कह रहे थे, दुनिया कह रहे थे कि डरो मत, गरीब हो, मेहनत करो, परिश्रम करो, लेकिन सच के सामने डरने की जरूरत नहीं है। हिम्मत और हौसले के साथ सच कहो, हिम्मत के साथ अपने हक अधिकार की बात करो, हिम्मत के साथ अपने स्वाभिमान और सम्मान की बात करो, यही तो कह रहा था, लेकिन उस आवाज़ को उठाने नहीं दिया। और जब वो नहीं माने तब जाकर के षड्यंत्र पूर्वक उनकी सदस्यता समाप्त कराने का षड्यंत्र किया गया है। निश्चित रूप से राहुल गांधी नौजवान ये लड़ाई लड़ता रहेगा, चाहे मोदी जितना भी खड़े कंधे, और एक समय आएगा कि सच्चाई के सामने झुकना पड़ेगा और इस देश का जनतंत्र जो है मोदी जी को उखाड़ करके राहुल गांधी के नेतृत्व में बाहर करेगा।